पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा T20 मैच खेला गया जिसका टॉस जीता पाकिस्तान ने और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने के लिए उतरती है और स्टार्टिंग में जल्दी विकेट गिरने की वजह से आखिरी तक ये संभल नहीं पाती है और 18 ओवर एक गेंद में पूरी की पूरी टीम ऑलआउट हो जाती है। 117 रन पर पाकिस्तान की टीम ऑलआउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया को एक छोटा सा टारगेट मिलता है 118 रन का, उसे चेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरती है। पहले और दूसरे ओवर में विकेट गिरने की वजह से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस मैच में कमबैक करेगी, मगर काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस मैच को महज 11 ओवर दो गेंद में ही जीत लेती है। 118 रन मारती है ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम पर कर लेती है। इस तरीके से इस मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज़ को अपने नाम पर कर लिया और पाकिस्तान को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करते हैं सबसे अच्छी बैटिंग करने वाले, तो उनके जो 2 डाउन बैट्समैन आए स्टोनेस, जिन्होंने 27 गेंदों में ताबड़तोड़ 61 रन बनाए, 5 चौके लगाए और 5 सिक्स उनकी पारी में शामिल था। उनका साथ दिया जॉस इंग्लिस ने, जिन्होंने 24 गेंदों में 27 रन बनाए 4 चौके की मदद से। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक की बात करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग हुई उनकी, जिस वजह से उन्होंने और पाकिस्तान को 117 रन पर ऑलआउट कर दिया। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले उनके गेंदबाज और एरन, जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 1 ओवर मैडन डाला, 21 रन देकर 3 विकेट निकाला। और अगर हम स्पिनर की बात करते हैं तो जैम्पा, जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन दिया और 2 विकेट लिया। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से इस मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना के रखी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कहीं पर भी कोई मौका नहीं मिला इस मैच को जीतने के लिए। बैटिंग में भी उन्हें कम रन पर अलाउड कर दिया और जब उनकी बॉलिंग आई तो पूरी तरीके से धोकर रख दिया। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग अटैक की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले उनके प्लेयर, वैसे तो उन्होंने बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ 117 रन लगाए, मगर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले उनके 1 डाउन बैट्समैन बाबर आजम, जिन्होंने 28 गेंदों में 41 रन बनाया 4 चौके की मदद से। उनका साथ दिया हसबनउल्लाह ने, जिन्होंने 19 गेंदों में 24 रन बनाए 3 चौके की मदद से। और कोई भी बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाया, बहुत सारे बैट्समैन इनके 10 रन के अंदर ही आउट हो गए। और पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, फिलहाल तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ और सिर्फ 3 ही विकेट निकाले, मगर सबसे अच्छी गेंदबाजी करने वाले अब्बास अफरीदी, जिन्होंने 1 ओवर 4 गेंद की गेंदबाजी में 14 रन देकर 1 विकेट लिया। इस तरीके से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 3 मैचों की सीरीज़ ख़त्म हो गई। इससे पहले 3 मैच ODI खेला गया था, जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपना दबदबा बनाया था, 2-1 से सीरीज़ को अपने नाम पे किया था। और अब T20 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से बदला ले लिया ऐसा लगता है, क्योंकि पूरे 3 मैचों की सीरीज़ थी और पूरे तरीके से उन्होंने क्लीन स्वीप कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया। अगर हम इस मैच की बात करते हैं मैन ऑफ द मैच की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे अच्छी बैटिंग करने वाले स्टोनेस, जिन्होंने 27 गेंदों में 61 रन की पारी खेली, 5 चौके और 5 सिक्स लगाए, इस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी गई। 3 मैचों की सीरीज़ अब ख़त्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई थी खेलने के लिए, ये टूर भी ख़त्म हो गया। 3 ODI मैच खेले गए, 3 T20 मैच खेले गए, ये सीरीज़ ख़त्म हो गया। अगर हम इस सीरीज़ के मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉनसन, जिन्होंने 3 मैच की गेंदबाजी में 8 विकेट लिए, इस वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ की ट्रॉफी दी गई। तो इस तरीके से मैच सीरीज़ जो है पूरी की पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। आपको कौन से प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो आपको पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर, अगर आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो।